हरे कृष्णा, आज का टॉपिक है धनु राशि लव मैसेजेस फॉर नवंबर 2019। मैंने एनिमल डेक भी यूज़ किया है, उसे हम बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं फर्स्ट कार्ड। तो फर्स्ट कार्ड है ईजिली इन्फ्लुएंस अदर्स। तो इस महीने में आपकी छाप जो है वो दूसरों के ऊपर बहुत अच्छी तरह से पड़ेगी और बहुत जल्दी पड़ेगी। काफ़ी सारे लोग आपको देखकर खुश हो सकते हैं और आपसे इंस्पायर हो सकते हैं, तो बहुत ही पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आपका रहेगा लोगों के ऊपर, तो एक बहुत अच्छा कार्ड है। सेकंड कार्ड है अथॉरिटेटिव। तो कोई अथॉरिटी फिगर की प्राप्ति आपको हो सकती है या फिर आपको किसी चीज़ की लीडरशिप मिल सकती है, जिसके कारण आपके लाइफ में बहुत ही अच्छे प्रभावित करने वाले रिजल्ट्स मिल सकते हैं और आप लाइफ में बहुत खुश हो सकते हैं। थर्ड कार्ड है आपके लिए ग्रोथ। तो आपकी ग्रोथ जो है वो आपके ऑफिस में या बिजनेस में बहुत अच्छी तरह से हो सकती है और बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ में हो सकते हैं। जिस चीज़ के पीछे आप हैं, जो गोल आपने रखा है आपके सामने, उसको आप बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए स्टेबल। तो आप स्टेबल रहोगे और ज़िंदगी में स्टेबल तरीके से डिसीजन लोगे, पूरे शांत दिमाग से आप डिसीजन लेना चाहोगे, जिसके कारण आपसे कोई चूक ना हो पाए। तो बहुत ही अच्छा और स्टेबल फ्यूचर आपके लिए वेट कर रहा है। ट्रेडिशनल, तो आप ट्रेडिशनल रहोगे, फैमिली के जो कंडीशंस है उनको आप पूरी तरह से निभाओगे और जो एक्सपेक्टेशंस फैमिली को आपसे हैं वो आप 100% देने की कोशिश करोगे, तो बहुत ही अच्छा फैमिली लाइफ आपको मिल सकता है। नेक्स्ट कार्ड है मास्टरी। तो आपकी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मास्टरी प्राप्त हो सकती है, आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और शायद आपकी इंटरनल ख्वाहिश है कि बहुत सारी चीज़ों को आप एक साथ कंट्रोल करें, तो शायद एक ख्वाहिश अभी पूरी होने वाली है। आपको ध्यान देना है कि आप हर एक चीज़ को उसके हिसाब से जांचें और फिर उसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए हेल्थ विथ हेल्थ। तो आपको आपकी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आपको शुगर है या फिर ब्लड प्रेशर की का इशू है तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और अपने आप को डाइट प्लान में रखना चाहिए, जिससे काफ़ी सारे सुधार आप में देख सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए ऑल इज़ नॉट एज बैड एज यू थिंक इट इज़। तो जीवन जैसा दिखता है वैसा कभी कभी होता नहीं है, इसकी परिचिति आपको आएगी। तो जो भी चीज़ें हो रही है उसके सिर्फ नेगेटिव नहीं बल्कि बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आ सकते हैं। अब देखते हैं एनिमल डेक। पहला कार्ड है कैट। जैसे कि फ्रेंडली, प्लेफुल, एक्टिव, इंडिपेंडेंट, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, एडवेंचरस, क्यूरियस, केयरिंग, फनी, कडली एंड इंक्विजिटिव। तो जैसे ये सारी क्वालिटीज़ हैं, तो ये सारे क्वालिटीज़ या इनमें से कुछ आपके लाइफ में आने ज़रूरी हैं इस मंथ में, तो ताकि आपके लाइफ में बहुत सारे सकारात्मक और पॉजिटिव बदल हो सके। तो आप एडवेंचरस बन सकते हैं, क्यूरियस बन सकते हैं और आपके लाइफ में बहुत सारे अच्छे चेंजेस आ सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए लेपर्ड। जैसे क्वालिटीज़ हैं ग्रेसफुल, एडाप्टिव, क्विक, तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में आप ला सकते हैं या फिर आपके लाइफ में आ सकती हैं, जिससे काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में हो सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है ऑस्ट्रिच। इनक्रेडिबली स्पीडी। तो आप स्पीड से काम करना पसंद करोगे और स्पीड से आपका कोई भी काम है उसका आउटकम आप लाने की कोशिश करोगे, तो एक बहुत ही सकारात्मक कार्ड है आपके लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट ओरैकल, बहस। तो काफ़ी सारे मुद्दों के ऊपर बहस छिड़ सकती है और आप बहसबाजी कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा लॉस भी हो सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर कहीं पर बहस चालू हो रही है तो वहाँ से आप साइड में जाएँ, ताकि आपका गुस्सा जो है आपके कंट्रोल में रहे और नेगेटिविटी ना फैले। इस कार्ड है कठिनाई। तो थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन इसमें भी आपका हित छुपा है। जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए मुलाकात। तो एक पॉजिटिव आउटकम है, आप अपने प्यार के लोगों से या फिर अपने लवर से मिल सकते हैं और ये मिलना बढ़ सकता है, जिससे काफ़ी सारे अच्छे और पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में हो सकते हैं। दुश्मन, तो कुछ लोग हैं जो आपके खिलाफ हैं या फिर जिनको आपका ओपिनियन पसंद नहीं है, तो ऐसे लोगों से आप बच के रहें और ऐसे लोगों से दूर ही रहें। नेक्स्ट कार्ड है संभालना। तो आपको कई चीज़ें संभालनी होगी, जैसे कि आपका एटीट्यूड है, आपका एंगर है, तो उन चीज़ों का आपको संभालना पड़ सकता है और इससे पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में पूरी तरह से आ सकते हैं। पहला, अब नेक्स्ट ओरेकल देखते हैं। पहला कार्ड आपके लिए हार्ट मेल्टेड। तो आपका जो हार्ट है वो मेल्ट हो चुका है किसी के ऊपर, तो आप उनके ऊपर बहुत प्यार करोगे और आप चाहोगे कि ऐसा जो प्यार है वो हमेशा बरकरार रहे। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए मेडिटेशन। जैसे कार्ड आया था हेल्प विथ हेल्थ, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मेडिटेशन करना है और अपनी लाइफ का जो स्ट्रेस है
उसको खुद से दूर रखना है ताकि बहुत सारा फायदा आपको इस जीवन में मिल सके। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए एनहांसमेंट। तो काफ़ी सारी खुशी के मौके आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं और काफ़ी लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। अगर बिजनेस माइंडेड है तो इसका परिणाम आपके बिजनेस पर पॉजिटिवली हो सकता है। और फाइनल कार्ड है आपके लिए रन स्लोली। तो आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है और सोच विचार करके आगे बढ़ना है, कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होने देना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है। तो ये था रीडिंग आपके लिए। आई होप दैट रेजोनेट्स विथ यू। थैंक यू।